अगर आपने अभी तक आलोक का बदला पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देखिए, वरना स्टोरी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब दखलर यहाँ पे आता है और बक को मारकर चला जाता है, पर बॉब जब यहाँ पे आता है तो वो देखता है कि बक तो मरा हुआ है, और बॉब ऐसा सोचने लगता है कि बक को आलोक ने ही मारा है, क्योंकि इन दोनों ने कल शाम को आलोक को मारा था। शायद उसी का बदला लेने के लिए आलोक ने बक को मार दिया, और बॉब यही सब सोचने में लगा हुआ था। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। और इधर ये सारे लोग दौड़ते हुए एक जगह पे आ चुके हैं, पर पता नहीं ये लोग कौन सी जगह पे आए हैं। अरे क्या, ये जगह तो काफी ज्यादा जाना पहचाना सा लग रहा है। और आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताएं कि इस जगह को आप लोगों ने कहाँ देखा है। और इस वीडियो के लास्ट में पिछली वीडियो के कुछ कमेंट सिखाए गए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और अरे क्या, ये लोग यहाँ पर आकर रुक क्यों गए, और ये लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? अरे क्या, इन लोगों के सामने तो एक ट्रक है जो कि इन लोगों की तरफ ही आ रही है। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये ट्रक इस तरफ क्यों आ रही है। तभी ट्रक अचानक से इन लोगों के सामने आकर रुक जाती है, पर इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस ट्रक को लेकर यहाँ पे कौन आया है और उसने इस ट्रक को यहाँ पे क्यों लाया है। तभी ट्रक का दरवाजा खुलता है और ट्रक से कोई बाहर आता है। अरे ये क्या, ये तो जैब द किलर है, और जैब द किलर यहाँ पे क्यों आया है? और दूसरी साइड से बॉब भी बाहर आ जाता है। बॉब और जैब द किलर को देखने के बाद इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये दोनों यहाँ पे क्यों आए हैं। बॉब और जैब द किलर चलते हुए ट्रक के आगे आ जाते हैं, और जैब द किलर बॉब से कहता है इन्हीं लोगों ने तुम्हारे भाई को मारा है। बॉब को इतना कहने के बाद जैब द किलर इन लोगों से कहता है तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने इसके भाई को क्यों मारा, इसके भाई ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था। तभी राइस्टार कहता है कि अब हम लोग बॉब को भी मारने वाले हैं, क्योंकि बॉब और बक ने मिलकर कल आलोक को मारा था। तभी जैब द किलर इन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को पता है कि तुम लोगों ने बक को इतना ज्यादा मारा है कि बक अभी दुनिया में नहीं है, बक की अब मौत हो चुकी है। जैब द किलर की बात सुनने के बाद राइस्टार कहता है कि ये तुम क्या बक रहे हो, हम लोगों ने उसे इतना ज्यादा नहीं मारा है कि उससे उसकी मौत हो जाए, हम लोगों ने तो सिर्फ आलोक का बदला लिया है, और ये सब तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, झूठ झूठ बोलना बंद कर दो वरना मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। राइस्टार की बात सुनने के बाद बॉब कहता है कि जैब द किलर झूठ नहीं बोल रहा है, तुम लोगों ने मेरे भाई को मारा है और मैं अपने भाई का बदला तुम लोगों से लेकर रहूंगा। और हाँ, तुम लोगों को उसे मारकर क्या मिला, तुम लोगों की वजह से मेरा भाई आज मुझसे दूर हो गया और अब मैं दोबारा अपने भाई से नहीं मिल पाऊंगा, वो भी तुम लोगों की वजह से। और हाँ, ये बात याद रखो, मैं तुम लोगों से एक एक करके बदला लूंगा। बॉब की बात सुनने के बाद राइस्टार कहता है कि अब तुम लोग यहाँ से चुपचाप निकल लो, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया है, और अगर मैंने तुम लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया तो तुम लोग सोच लेना कि तुम लोगों का क्या होगा। राइस्टार की बात सुनने के बाद जैब द किलर कहता है कि चाहे तुम्हें कितना भी गुस्सा क्यों ना आ जाए, हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। ये सब कहने के बाद जैब द किलर दौड़ते हुए इन लोगों की तरफ जाने लगता है, और जैब द किलर जैसे ही राइस्टार के पास जाता है तभी राइस्टार उछल कर एक किक मार देता है, जिससे कि जैब द किलर तुरंत ही जमीन पर लुढ़क जाता है। और फिर कुछ देर बाद जैब द किलर फिर से खड़ा हो जाता है और छलांग लगाकर राइस्टार को एक किक मार देता है, जिससे कि राइस्टार जमीन पर गिर जाता है। तभी इन लोगों को ऊपर की तरफ से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, और ये लोग ऊपर की तरफ देखने लग जाते हैं। अरे ये क्या, ऊपर में तो स्काइलर खड़ा है, पर स्काइलर को कैसे पता चला कि ये सारे लोग यहाँ पे हैं? तभी अचानक से स्काइलर वहाँ से जंप कर देता है, और अरे ये क्या, स्काइलर ने तो जैब द किलर को एक ही बार में गिरा दिया है, अब शायद से जैब द किलर काफी देर तक नहीं उठने वाला है। तभी ग्रीन क्रिमिनल स्काइलर से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पे हैं और तुम ऊपर में क्या कर रहे थे? तभी स्काइलर कहता है कि मैं थोड़ी देर पहले ही तुम लोगों को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आया था, पर तुम लोग यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे थे, तो मैं तुम लोगों को ढूंढते ढूंढते ऊपर चला गया। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी लोगों को ट्रक की आवाज़ सुनाई देती है, और ये लोग जैसे ही ट्रक की तरफ देखते हैं तो ये लोग देखते हैं कि ट्रक तो यहाँ से वापस से जा रही है, शायद बॉब इन लोगों से डर गया और ट्रक में बैठ कर यहाँ से जा रहा है। बॉब को यहाँ से डर कर भागता देखकर ये सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और कुछ देर बाद ये लोग जैब द किलर को लेकर इस जगह पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद ये लोग हंसी मजाक करने लगते हैं। ये सारे लोग जैब द किलर को लेकर इस जगह पे इसलिए आए हैं, ये सारे लोग सोच रहे हैं कि बॉब जैब द किलर को बचाने के लिए यहाँ पे आएगा ही, और फिर ये सारे लोग मिलकर बॉब को भी पकड़ लेंगे, इसलिए ये सारे लोग इस जगह पे हैं। तब इन लोगों को पीछे से किसी गाड़ी की आवाज आती है, और ये लोग जैसे ही पीछे देखते हैं, अरे ये क्या, यहाँ पे तो एक ट्रक आ गया है। इस ट्रक को देखने के बाद ये सारे लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और ये लोग सोचने लगते हैं कि जैब द किलर को बचाने के लिए बॉब यहाँ पे आ चुका है। ये लोग ट्रक को देख ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से ट्रक के बाहर एक पुलिस वाला आता है। पुलिस वालों को देखने के बाद इन लोगों को समझ में नहीं आता, और ये सारे लोग पुलिस वाले के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। पुलिस वाले के पास खड़ा होने के बाद अज्जू भाई पुलिस वाले से कहते हैं कि क्या हुआ, आप यहाँ पे क्यों आए हो, आपको हम लोग से कुछ काम है क्या?
तभी पुलिस वाला कहता है कि हाँ मुझे तुम लोगों से कुछ काम है, तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोगों में से आलोक कौन है, क्योंकि आलोक के ऊपर किसी ने रिपोर्ट किया है कि आलोक ने किसी का मर्डर किया है और मर्डर करने के जुर्म में मुझे आलोक को पुलिस स्टेशन ले जाना होगा और तुम लोगों में से आलोक कौन है जल्दी से मुझे बता दो, मैं उसे लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। तभी आलोक पुलिस वाले से कहता है कि मेरा नाम ही आलोक है और मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने किसी का मर्डर किया ही नहीं है, मैं आज सुबह से अपने दोस्तों के साथ ही हूँ और आप मेरे दोस्तों से पूछ सकते हैं कि मैं सुबह से इन लोगों के साथ था या फिर नहीं, और वैसे भी मैं एक मच्छर मारने से भी काफ़ी ज़्यादा डरता हूँ, तो मैं किसी आदमी का मर्डर कैसे कर सकता हूँ, मैंने तो आज तक किसी को भी नहीं मारा है। तभी अज्जू भाई कहते हैं कि आलोक बिल्कुल सही बोल रहा है, आलोक ने किसी का मर्डर नहीं किया है, आलोक तो सुबह से हम लोगों के साथ ही था। अज्जू भाई की बात सुनने के बाद पुलिस वाला कहता है कि तुम लोगों को जो भी कहना है सब पुलिस स्टेशन में आकर कहना, और हाँ तुम लोग आलोक का बेकसूर होने का सबूत भी लेकर आना, तभी हम लोग आलोक को छोड़ेंगे, और मैं अभी आलोक को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर कुछ देर बाद पुलिस वाला आलोक को ट्रक में बैठा देता है और खुद भी ट्रक के अंदर बैठ जाता है, और अब आलोक गिरफ्तार हो चुका है, अब आलोक कुछ भी नहीं कर सकता है। तभी ट्रक स्टार्ट हो जाती है और पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगती है, और आलोक ये सोचने में लगा हुआ है कि अब वो कैसे बचेगा। सारे लोग भी ये सोचने में लगे हुए हैं कि आलोक ने किसी का मर्डर किया भी नहीं, फिर भी उसे पुलिस वाले पकड़ कर क्यों ले जा रहे हैं, और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, और इन लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि बग की मौत हो चुकी है और उसकी मौत किसने की है, तो ये लोग आलोक को पुलिस स्टेशन से कैसे छुड़ाएंगे। अगर आप लोगों को भी देखना है कि ये लोग पुलिस स्टेशन से आलोक को कैसे छुड़ाएंगे तो आप लोग को देखना होगा पार्ट 3। देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करना ना भूलें, और ये है पिछली वीडियो के टॉप 50 कमेंट्स। अगर आपका नाम इस कमेंट में नहीं आता है तो इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो में आपका कमेंट दिखाया जाए।